जब घर में कोई सब्जियां ना हो तो बनाए ये आलू दम। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो आलू दम बनाने के लिए हमने यहाँ नया आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी आलू ले सकते हैं, बट अभी नया आलू का सीज़न है तो हमने नया आलू लिया है। तो इस तरीके से मैंने बीच से इसे कट कर लिया है और अब हम इसमें एक फोक या फिर काटा वाले चम्मच के मदद से इसमें से इसे छेद करेंगे, ताकि जब हम इसे भूनें और जब इसमें मसाला डालें तो इसका मसाला इसके अंदर चले जाए और ये अच्छा बने, टेस्टी बने। तो इसमें अच्छे से सब में अच्छे से हम पहले छेद कर देंगे। तो हमने सारे में छेद कर लिया है, अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने मसाले में सबसे पहले प्याज काट के रखा है और यहाँ पे टमाटर भी रखे हैं और साथ ही में मिर्ची। तो यहाँ पे हम प्याज को ग्राइंडर जार में डाल देंगे, साथ ही में मिर्ची और टमाटर भी। इन सभी चीज़ों को हम एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो सारा प्याज टमाटर और मिर्ची का हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है और अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो आलू दम बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करना है। आलू दम हर कोई बना सकता है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये चिकन मटन इसके आगे सब फेल है अगर आप इस तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब हमारी तेल गरम हो रही है। तो तेल हल्की हल्की हमारी गरम हो गई है, तो हमने जो आलू को छेद करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे सारे के सारे। और अब हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बढ़िया से चलाएं और आलू को अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये हल्के हल्के क्रिस्प हो चुके हैं और ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे सारे आलू को। अब हम उसी तेल में 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा और 1 लौंग डाल देंगे, साथ ही में प्याज भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को आप सॉफ्ट कर ले। तो अब प्याज हमारा हल्का हल्का सॉफ्ट हो चुका है, तो हमने जो पेस्ट बना के रेडी किया था प्याज टमाटर और मिर्ची का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएँगे। साथ ही में हम इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें और बाकी के भी मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी डाला है, यहाँ हल्दी मैंने डाल दिया है, साथ ही में यहाँ पे मैंने तीखी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों डाल दिया है। तो अगर आपको तीखा खाना नहीं पसंद है तो आप मत डालना, वरना आप डालना। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और सभी चीज़ में मसाले का फ्लेवर आने दे देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छी से ये पक रही है। तो अच्छे से इसे भूंजे, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये देखिए कितना अच्छा से ये भुंजा रहा है। तो बढ़िया से ये हमने इसे पका लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे हमने धनिया के डेंटल्स डाला है। धनिया का डंटल जरूर डालें, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और इसी टाइम पे डालना ताकि वो अच्छी लगी खाने में। तो यहाँ पे हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखा था उसे हम इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। हल्का सा पानी दे दे और इसे अच्छे से मिलाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएँगे। साथ ही में अब हम इसमें हल्का सा छाली ऐड करेंगे। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई डालें, वरना आप दही भी डाल सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे पास मलाई अवेलेबल था तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें सब्जी मसाला डाल देंगे, ये कोई भी शॉप में मिल जाती हैं आसानी से। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। तो ये देखिए कितना अच्छा सुगंध आ रहा है और कितना अच्छा लगने लगा है और ये सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया के पत्ते, और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आलू दम बन गया है, बहुत अच्छे से पक रहा है हमारा आलू दम। बढ़िया से आलू भी हमारी सीज गई हैं। तो अब हम इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी इसे हम ढककर पकाएंगे तो ये पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ठंडा करके इसे निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए हमारी आलू दम की सब्ज़ी बनके एकदम परफेक्टली रेडी है। आप एक बार ज़रूर बनाना, सबको बहुत पसंद आएगी और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना।